ये ले पंडित जी को दे दे। और हाँ, दिए के लिए तो घी तो ले आ। जा बहना, घी लेके आ। इनका फस चले ना, दूध और घी की नदियां बहा दे और सारा का सारा पैसा उड़ा। नदियों में दूध और घी थोड़ी बहता है, उसमें तो पानी बहता है। अपनी बकवास बंद कर, समझा? पूजा की थाली भी नहीं आई अभी तक। तेजस अभी लेके आता ही होगा। जी तेजस बेटा, थाल लेके आना। अरे तेजस बेटा, ये पूजा की थाली हमें दीजिए। पंडित जी, थाल आपको ऐसे नहीं देगा। माता रानी, शक्ल दिख रही है? हाँ दिख रही है। पंडित जी, ये लीजिए थाली। और ये माँ से क्यों पूछ रहा है कि इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? पंडित जी, इसकी आदत, इसे प्लेट हमेशा साफ चाहिए और ऐसी साफ होना चाहिए कि थाली में उसको अपनी शक्ल दिखाई देनी चाहिए। माता रानी, आपको मालूम है ना तेजस ने ये पूजा क्यों रखी है? आप तेजस की मम्मा के पैर ठीक कर दो तो तेजस आपके दरबार आएगा, है ना? ये हमारा सीक्रेट है। कोई बात माँ, सीता ने हेलो। हाँ जी चड्ढा जी, ट्रक शाम तक पहुंच जाएगा। माँ, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ जी चड्ढा जी। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अरे भैया, पूजा में नहीं बैठेंगे? कैसे बैठेंगे आपके भैया? मतलब बेचारे काम नहीं करेंगे तो फिर अपने प्यारे से मुन्ना भैया और अपनी माँ के नखरे कैसे उठाएंगे ना? घर में रोटी कैसे आएगी? भैया तो सिर्फ रोटी लेके आते, रोटी देती तो माता रानी है ना। तो फिर अपनी माता जी के घर जाकर क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों पड़े हुए? ये घर भी तो माता रानी का ही है ना। अगर ऐसा है ना तो फिर अपनी माता से बोलिए घर चलाने के लिए, समझे? बहू, आज के दिन तो ये सब शुरू मत करो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी, पूजा शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे साथ बड़े प्यार से बोलेंगे साचे दरबार की जय। कहते हैं कि एक बार जब माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी जब असुरों का संहार कर रही थी, तब एक दिन उन तीनों ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और उस शक्ति से प्रकट हुई एक प्रज्वलित ज्योत जिसे हम तेजस कहते हैं, और उसी तेजस से प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी एक छोटी कन्या के रूप में। बोलो वैष्णो देवी की। और इसी प्रकार ये पूजा संपन्न हुई। माँ शेरावाली आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहना, तेरी मुराद तो पूरी होने से रही। अपाहिज सास दीवाना देवर, तेरा पति तो इन्हें खिलाते खिलाते कब जाएगा और तू इसी छोटे से घर में सड़ जाएगी। मम्मा, पूजा अच्छे से हो गई ना? अभी देखना हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपके पैर ठीक हो जाएंगे। माता रानी, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार कर। वो तुझे इतना अच्छा करते कि मेरे जाने के बाद तू अपनी देखभाल खुद कर सके। अपने फिर जाने की बात की, अब तेजस को छोड़ के जाओगे? मम्मा, तेजस ने क्या गलत किया मम्मा? अब तेजस को छोड़ के कहीं मत जाना मम्मा। मेरा बच्चा, तेजस को छोड़ के कहीं मत जाना मम्मा। अच्छा, पंडित जी को दक्षिणा कौन देगा? पंडित जी को दक्षिणा देनी है ना। दक्षिणा? हाँ, तेजस दक्षिणा देगा। एक मिनट, मैं अभी अभी लिख देता हूँ। पंडित जी, ये दक्षिणा
प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा ये प्रसाद सबको बांट दो। हाँ अभी अभी अभी। ये क्या माजरा है गोदावरी जी? माता रानी के सिक्के? अनिल जी ये माता रानी का आशीर्वाद है, किस्मत वालों को ही मिलता है। ये तेजस ने आपकी दक्षिणा के लिए रखे थे। लेकिन बेटा पंडित जी, तेजस सालों से माता रानी के सिक्के जमा कर रहा है। पूजा का आयोजन भी इसी ने किया था और दक्षिणा भी इसी की तरफ से। समझिए बेटा, दक्षिणा तो ठीक है पर ये माता रानी के सिक्के? पंडित जी ये आपके लिए है। तेजस के पास ऐसे 99 और है, वो एक पूरा हो जाएगा तो माता रानी को गिफ्ट करके आएगा तेजस। सिर्फ सिक्के क्यों, घर का सारा सामान चढ़ा कर आओ ना वहां। तेजस मां को प्रसाद दो। तुम इधर आओ, इधर। तुम्हें शर्म नहीं आती है उस भोले वाले बच्चे का मजाक उड़ाते हैं? घर में सांड बैठा हुआ है और इन्हें बच्चा लग रहा है। तुम? नमस्कार, मैं मिलने आया आपसे और तेजस से मुलाकात हो गई। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। आप सोच रहे होंगे बच्चा, हाँ दिखने में वो 30 साल का लगता है लेकिन उसका मन 5 साल के बच्चे जैसा है और उसकी एक ही मुराद है कि उसकी माँ के पांव माँ वैष्णो देवी ठीक कर देंगी। आइए देखते हैं इस अनोखे भक्त की कहानी। क्या हुआ बहना? मुझे इस मूर्ख और इसकी माँ से छुटकारा पाना है बस, क्योंकि जब तक ये दोनों ना मेरे पति के पैसों पे पगे रहेंगे मेरी अपनी जिंदगी तो शुरू हो नहीं सकती। शांत बहना शांत, गुस्सा नहीं। मुझे एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जादूगर की जान तोते में, तोते को ही उड़ा दे, जादूगर खुद ही मर जाएगा। क्या भैया कुछ भी बोल रहे हो, कौन जादूगर कौन तोता? सुन तो, तेरी बूढ़ी सास जादूगर और उसका पागल बेटा तोता। वाह अच्छा अच्छा, तू तेजस को घर से भगा दे, बुढ़िया उसके गम में खुद ही मर जाएगी। ये मम्मा का, ये भैया का, ये भाभी का, ये भंटी भैया का, ये तेजस का। तेजस वो माँ जी के पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा के पैरों में फिर दर्द हो रहा है? आप मम्मा के पैरों का दर्द कब ठीक करोगे माता रानी? उनको बहुत तकलीफ होती है। अब कैसे करेंगी ठीक? तेजस तो गया ही नहीं माता के मंदिर, है ना? मम्मा तो कहती है कि माता हमेशा हमारे दिल में रहती है। हाँ तेजस, माता रानी सबके मन में रहती है, लेकिन देखो अगर ऐसा होता ना तो फिर इतने सारे भक्त मंदिर जाके प्रार्थना क्यों करते बताओ? अब हमारे बंटी भैया को देख लो, पता है ये तो 20 बार जा चुके हैं माता के दर्शन करने। 20 बार? तेजस तो एक बार भी नहीं गया ना। हाँ माता रानी तो रूठ गई होगी तेजस से। माता रानी तेजस से रूठ गई इसलिए मम्मा के पैरों में दर्द रहता। अभी तेजस क्या करे, अभी तेजस क्या करे? मेरी मानो ना तो आज के आज ही चले जाओ माता के दरबार में उनके दर्शन करने। हाँ आज दरबार में आज हाँ माता रानी, तेजस तेजस आज ही आपके घर आएगा, तेजस आज ही माता रानी के दर्शन करने जाएगा। पर तेजस चाहेगा कैसे, भैया तो बाहर गए हुए। नहीं 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 तेजस, आशीष भैया से बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई ना तो फिर मन्नत पूरी नहीं होगी और माता जी के पैर का दर्द भी तो ठीक करना है ना। हाँ तो इसीलिए किसी के भी साथ नहीं जाना है, अकेले जाना है। और इस बात को
सीक्रेट रखना है। हाँ सीक्रेट सीक्रेट। पर तेजस जाएगा कैसे? इतनी रात हो गई है। माता जी के पैर का दर्द ठीक करना है ना, तो आज के आज ही चले जाओ माता के दरबार में, उनके दर्शन कर लो। किसी के भी साथ नहीं जाना। अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई ना, तो फिर मन्नत पूरी नहीं होगी। अरे क्या हो गया तेजस बेटा, उतरो तो। क्या हो गया बंटी भैया? लगता है टायर पंक्चर हो गया। ओ, तो अभी क्या करेंगे? तुम वहाँ बैठो, मैं पंक्चर बनवा के आता हूँ। तेजस को बहुत डर लग रहा है, तेजस यहाँ कैसे बैठेगा भैया? अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं जल्दी आता हूँ, तुम तब तक ये पिस्ते खाओ। लो बेटा। हाँ बंटी भैया कहाँ चले गए? तेजस को बहुत डर लग रहा है, भैया जल्दी आ जाओ। और उसी तेजस से प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी एक छोटी कन्या के रूप में। ये क्या हो गया? अरे प्राजी, आपने उस आदमी को माता रानी के पास तो नहीं भेज दिया ना? हे माता रानी, उससे कोई गलती ना हुई होगी। ओ जल्दी उतर जा, उतर के देखो ना यार। क्या कर दिया? कितने का देख? ओए उधर देखो, ये रोड के किनारे तो नहीं गिर गया? क्या कर दिया सर? कहाँ गई? कहाँ गई माता? ओए ओए तू जिंदा यार? ओ बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल इसको यार। अरे बाहर निकल, तेजस को माता रानी से मिलने कटरा जाना है। कटरा? भाई ये रास्ता ना कटरा नहीं जाता है। नहीं नहीं, बंटी भैया बोल के गए यही कटरा का रास्ता है। अरे बंटी भैया के उल्लू बना रहे हैं। नहीं नहीं, तेजस को कोई ऐसे उल्लू नहीं बना सकता। देख तेजस। हाँ, आपको तेजस का नाम कैसे पता? देख तेजस, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तुझे रास्ते में उतार देंगे, तू वहां से चले जाना। हाँ, 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 चलो भाई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओए आ गया रुक्मणी जी का ढाबा। खाना काम कर, तू दाल फ्राई, चना मसाला और तंदूरी रोटी लेके आना।
ये प्लेट तो बहुत गंदा है। गंदा मतलब? प्लेट जब साफ होती है तो उसमें शक्ल दिखती है और ऐसे आवाज आती है, दिखो आ रही है? प्लेट कहाँ धोते हैं यहाँ पे? थैंक यू पाजी। हाँ जी। कौन है ये? वो तेजस आई है। कौन तेजस? ये तो हमको भी नहीं पता। तू खड़ा क्यों है? खाना लेकर आ जा। छत्ती आई। माता रानी, माता रानी, तेजस आ रहा आपके पास, उसकी मम्मा को ठीक कर देना। ये लीजिए पापा जी। पापा जी प्लेट साफ कर दी मैंने, देखिए शक्ल दिख रही है? ओए इसमें तो मेरी पगड़ी सेट हो गई एकदम। अरे वाह, ओए रुक्मणी जी खाना बहुत स्वाद बना जी, बिल ले आओ। अरे कितना खाता है, खत्म भी कर। पाजी। हाँ जी। कहाँ से उठा के लाए उसको? वो ये मुझे रास्ते में मिला था। ओए पुत्र और कुछ खाना तो नहीं ना तुझे? नहीं नहीं बाबा जी, खाना बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? हाँ लो जी, तो तू अभी एक काम कर, यहाँ से ट्रक या तो बस पकड़ के ना सीधा कटरा निकल जा। बाबा जी। हाँ आप तेजस को कटरा छोड़ के चले जाओ ना, तेजस अकेला कैसे जाएगा? अरे अरे नहीं नहीं, हम दूसरे तरफ जा रहे हैं। पापा जी प्लीज आप तेजस को लेके जाएगा ना, तेजस अकेला कैसे जाएगा? पापा जी प्लीज तेजस को साथ में लेके चलो ना, प्लीज पापा जी प्लीज। तू एक काम कर, तू इधर ही रुक जा, मैं तुझे भिजवा दूंगी किसी के साथ। पर तेजस यहाँ पे रुक के करेगा क्या? ये देख, इसे कहते हैं प्लेट की सफाई। शक्ल भी दिख रही है इसमें। और एक तू, हाँ? चल झाड़ू छोड़, प्लेट रख अंदर संभाल के। दीदी तेजस ने सारे बर्तन धो दिए, अभी तेजस को माता रानी के दरबार भेज दो। ओए रुक जा, कोई उस तरफ जाने वाला आएगा तो ही तो जाएगा ना। हाँ एक बात बता, तू माता रानी के द्वार किले को जाना चाहता है, तेरे घर वाले कहाँ हैं? वो तो सीक्रेट है। और अकेले अकेले तो तेजस अभी बड़ा हो गया ना, तो तेजस अपना ख्याल रख सकता है, इसीलिए डर नहीं लगता। डर किस बात का, माता रानी है ना तेजस के साथ, और फिर सबने तो साथ दिया है। बंटी भैया ने सड़क तक छोड़ा, फिर सूरज पापा जी ने आपके ढाबे तक, सब तो साथ दे रहे हैं, डर किस बात का। हाँ मम्मा की याद बहुत आ रही है, पर तेजस माता के दरबार मम्मा के लिए तो जा रहा है। ओए तू बड़ा सोना है, बता तुझे क्या चाहिए? तेजस को ना माता रानी का सिक्का चाहिए। सिक्का क्यों? तेजस के पास ना माता रानी के 99 सिक्के हैं, एक सिक्का और मिल जाएगा ना पूरे 100 हो जाएंगे। फिर तेजस वो सिक्के माता रानी को गिफ्ट करेगा और फिर माता रानी तेजस की मम्मा के पैर ठीक कर देंगी। ये तो प्लेट साफ कर करके मेरी नौकरी खा जाएगा, इस पागल का कुछ करना पड़ेगा। उस बेवकूफ को तो ठिकाने लगा दिया, अब इस बुढ़िया की बारी है। बहुत शौक है ना दोनों को आरती उतारने का, इस धूप में इतना धुआं होगा कि बुढ़िया सांस ही नहीं ले पाएगी।